लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अखाड़े में जमकर पसीना बहाया है। पार्टी दावा कर रही है कि वह लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने जा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री व पार्टी के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर दिए गए बयान पर भी अपनी बात रखी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान कहा था कि अगर उनकी सत्ता आई तो वह अग्निपथ योजना को बंद कर देंगे। एक निजी समाचार एजेंसी के दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो रक्षा सौदों में भी दयाली खाती है। जीप घोटाले को लेकर बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला और ना जाने कांग्रेस ने कितने घोटाले किए हैं। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसने 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट, फाइटर एयरक्राफ्ट तक खरीदने जरूरी नहीं समझे, जिन्होंने अंत में लिख दिया कि दोबारा जांच की जाए। ये 10 साल तक सोए हुए थे, पैसा और दलाली नहीं मिली होगी, इसी वजह से इन लोगों ने नहीं खरीदा। ये आरोप कांग्रेस के ऊपर हमेशा से लगते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस ने 40 तक नहीं दी। इसके बाद मोदी सरकार ने आकर 1,20,000 करोड़ रुपए दिए, जिससे 2,500 पेंशन मिलती थी और आज 25,000 से ज्यादा मिल रही है। अब अग्निवीर की बात करते हैं कि मान लीजिए 100 लोग भर्ती होते हैं, सभी को 4 साल तक फौज में अपनी सेवाएं देनी होंगी और 4 साल के बाद 25 फौज में रहेंगे और 75 की सैलरी के अलावा लगभग 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद वह सेंट्रल रिजर्व फोर्स के लिए पात्र होंगे। इनमें उन्हें 10 में से 20 आरक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर अग्निवीरों की राज्य पुलिस में भर्ती हो सकती है, बीजेपी के 18 राज्य हैं जहाँ पुलिस में नौकरी मिल सकती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी रोजगार मिल सकता है। अग्निवीरों को 100% रोजगार की गारंटी है। सरकार एक अच्छा कदम उठाकर अग्निवीर योजना लाई है, इससे हमारे फौज की औसत आयु भी कम होगी। ठाकुर ने उदाहरण देते हुए बताया कि टाइगर हिल में जाने वाले सैनिक सबसे युवा हैं। पहाड़ चढ़ने के लिए युवा फोर्स चाहिए, दुनिया भर में यही है और कारगिल में सबसे ज्यादा शहादत हिमाचल के युवाओं की ही है।